लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति जो भारत में निवास करता है उस हर एक व्यक्ति को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। वो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली, पानी, आवास की। यदि इन सुविधाओं से कोई एक भी व्यक्ति वंचित रहे तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी डोंगरगढ़ से सामने आया है, जहां के लोगों को आज एक महीने से बिजली की सुविधा से वंचित रहकर अपने परिवार सहित रहने पे विवश होना पड़ रहा है। महेंद्र स्वामी ने नगर पालिका द्वारा नियमित मांगे जाने वाले जैसे राजस्व टैक्स रसीद, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विद्युत कनेक्शन अनुबंध बॉन्ड पेपर भी जमा करवाया हुआ है, बावजूद इसके उनसे रह रहे किराए के मकान का मालिकाना हक मांगा जा रहा है। बता दें कि उक्त आवास राजस्व की नजूल भूमि के अंतर्गत आता है। इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर अपने मूल दायित्व से पीछे हटा जा रहा है। वहीं महेंद्र स्वामी को अंधेरे में अपने परिवार सहित जीवन यापन करने को विवश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उक्त मकान बड़े नाले से लगा हुआ है, जिससे हमेशा हिंसक जीव जंतु के अलावा जान माल के नुकसान होने का खतरा बना रहता है। बता दें कि महेंद्र स्वामी अपने परिवार को मूलभूत सुविधा दिलवाने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहा है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक महेंद्र स्वामी के परिवार को अंधेरे में रहना पड़ेगा। डोंगरगढ़ से संवाददाता अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए? मैं समस्या बस मीटर लगने के लिए समस्या लेकर आया हूँ। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? ये कम से कम हो गया, हफ्ता भर करीब हो गया है। विद्युत ऑफिस गए थे आप? विद्युत ऑफिस गया था, वहाँ पर भी मैंने आवेदन करा हूँ, लेकिन इसका कुछ भी सलूशन नहीं निकाल रहे लोग। तो इसके बाद आपने क्या किया? एसडीएम के पास? एसडीएम ऑफिस में भी आया हूँ, यहाँ पर आवेदन किया हूँ, यहाँ पर भी आवेदन के बाद में किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा है। सही नहीं होने के कारण आप क्या कार्रवाई नहीं होने के कारण मतलब क्या है कि ये सब नेतागिरी चल रही है, नेतागिरी के चलते ही कुछ किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं आप जाते हैं सर? कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे लोग, मेरा जो कहा हूँ उसका कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे लोग। आपने क्या क्या दस्तावेज दिए थे? दस्तावेज मैंने अपना मकान का जो टैक्स रसीद है नगर पालिका का जो पटाता हूँ वो दिया हूँ, और आपका आधार कार्ड दिया हूँ, और ये जो अपना बनाया गया था अपना NOC वो सब दिया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे देने के बाद में भी मेरे को किसी प्रकार का यहाँ से मेरे को सहायता नहीं मिल रही है। आपको ऐसा क्या लगता है मतलब किसके द्वारा ये किया जा रहा है, किसके द्वारा मतलब रोका जा रहा है? ये सब नेतागिरी का चक्कर है, नेतागिरी के चलते ही हम प्रताड़ित हो रहे हैं। कितने दिन से आप अंधेरे में रह रहे हैं? कम से कम अभी ये हफ्ता भर हो गया है, हफ्ता भर से ऊपर ही हो गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.